ग्रुप की ओर से खुटपानी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय भोया में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के बीच 185 स्वेटर का वितरण किया गया। रुमटा ग्रुप के DGM सुरेश पोद्दार, CSR हेड किशन कुमार, विद्यालय के प्रधानाध्यापक सियाराम झा और कमल कुमार ने बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। सुरेश पोद्दार ने बच्चों की नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। कमल कुमार ने रुमटा ग्रुप की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस मौके पर शिक्षक आनंद कुमार यादव, राजेंद्र महतो, वीरेंद्र प्रसाद, तुलसी बोपाई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ऐसा रुमटा ग्रुप चाहे बसा की तरफ से उच्च विद्यालय भोया में आज गरीब एवं निर्धन बच्चों को 185 यूनिट स्वेटर का वितरित किया गया है। विभिन्न CSR के तहत कार्यक्रमों में यहाँ पर भी आज के दिन 185 बच्चों को स्वेटर वितरित की गई है और आगे भी ऐसा रुमटा ग्रुप CSR के तहत ये कार्य करता रहेगा। जिला परिवार पदाधिकारी जय किशोर प्रसाद के निर्देश पर मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान 22 वाहनों को जब्त किया गया। वाहन मालिकों से 18,500 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया। मुफस्सिल थाना के पास शनिवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जिला परिवहन विभाग के कर्मचारी और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, इंश्योरेंस, ऑनर बुक, शराब पीकर वाहन चलाने और नाबालिग के द्वारा वाहन चलाए जाने की जांच की गई। जांच के दौरान नाबालिग के द्वारा वाहन चलाए जाने पर 2,000, शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,000, इंश्योरेंस नहीं रहने पर 1,000, ऑनर बुक नहीं रहने पर 500 रुपया, लाइसेंस नहीं रहने पर 500 रुपया और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 300 रुपये का दंड वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान 18,500 रुपया अर्थदंड वसूल किया गया। जिला में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन वाहन चेकिंग को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि आम लोगों के जीवन सुरक्षित रह सके। मंझारी थाना के जांगीपुरु गाँव में सोमवार की सुबह आग सेकने के दौरान 30 वर्षीय महिला चिलगी पूर्ति गंभीर रूप से झुलस गई। महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। चिलगी पूर्ति घर के बाहर आग सेक रही थी। आग सेकने के दौरान कपड़े में आग पकड़ लिया। शोर मचाने पर घर के लोगों ने आग पर काबू पा लिया और महिला को गंभीर रूप से जलने से बचा लिया, लेकिन तब तक कमर से नीचे महिला जल गई थी। आग बुझाने के दौरान महिला का हाथ भी झुलस गया। मंझारी थाना के काठभारी गाँव निवासी कृष्णा कालिंदी सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए। जख्मी हालत में कृष्णा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने स्थिति गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया। कृष्णा कालिंदी गांव से तातनगर स्कूटी पर जा रहा था। काठभारी चिड़िया पीड़ के बीच तेज गति से चलने के कारण संतुलन बिगड़ जाने से सड़क से घसीटते हुए खेत में जा गिरा, जिससे सर में चोट आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने घायल कृष्णा के मोबाइल से परिजन को सूचना दी। परिजनों ने कृष्णा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।